स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSC ज्ञान सागर में। तो दोस्तों ये एक और वीडियो मैंने अपलोड की है, ये भी हरियाणा SSC में पीछे पूछे गए एग्जाम से रिलेटेड क्विज रेडी की है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें भी वो प्रीवियस क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो हरियाणा SSC ने अब तक पूछे हैं। आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है और आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये सभी वीडियो जो मैंने अभी तक अपलोड की है। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी क्विज के लिए पार्टिसिपेट कीजिएगा क्विज के अंदर और आगे आने वाले एग्जाम में आप श्योर सिलेक्शन लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है शुरू करते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई। चार ऑप्शन दिए हैं, जैसा कि मैं नहीं बोलूंगा अभी फिलहाल। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसलिए मैंने क्विज बनाई है आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, केवल हरियाणा की है, उसके अलावा साइंस की भी मैंने पीछे अपलोड की है वीडियो। तो पानीपत में लड़ा गया था, तीनों युद्ध याद करने हैं। हरियाणा का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 1526 1556 1766 तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी पानीपत में। नेक्स्ट आता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए न्यायाधीश रामलाल जी। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन डी पंचकुला, पांच कुपों का शहर पंचकुला। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है हरियाणा SSC में ही। अंबाला जिले में। नेक्स्ट आपका, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। साल 1858 में। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डाले हैं वो सभी हरियाणा SSC ने अभी तक पूछे हैं अपने रिसेंट के एग्जाम में, तो काफ़ी फायदेमंद रहेगी ये सभी वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर आप चैनल को वीडियो को लाइक करते हैं तो नेक्स्ट कमेंट भी आपके पास मिल जाएगा। जो भी आप वीडियो के जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो सभी कमेंट्स जो भी आपके कहते हैं, जो कि वीडियो आपकी नई अपलोड की जाती है वो सभी आपके सामने आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत बताना है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन डी हिसार मंडल, जिसके अंदर पांच जिले आते हैं, ये गलत रहेगा। अंबाला में चार हैं, करनाल में तीन है, रोहतक मंडल में पांच, टोटल छह मंडल बनाए गए हैं। पहले चार मंडल हुआ करते थे, दो और मंडल ऐड हुए हैं, फरीदाबाद और करनाल। हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था। करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है क्योंकि अप्रैल 2018 में एग्जाम हुआ था ये, तीन चार महीने पहले की जीके पूछी जाती है। कहाँ हुआ था स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन, पंचकुला शहर में। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया। ऑप्शन ए 2010 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कम से कम दो से तीन बार पूछा गया है। इससे पहले BDPO ऑफिस में पूछा गया, SCPO पोस्ट के लिए पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी वीरभान, मध्यकालीन कवि माना गया है वीरभान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने युवा विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता। ऑप्शन डी अनुपमा। नेक्स्ट, हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया। दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है वो हरियाणा SSC में पूछे गए एग्जाम से रिलेटेड हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग से किसी बुक से नहीं लिया गया है, सभी के सभी प्रवेश क्वेश्चन से लिए गए हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग हरियाणा की स्थापना के समय से ही साल 1966 से अस्तित्व में है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, मुर्रा भैंस बार बार पूछा गया है।
अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? आई थिंक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया इसका क्या आंसर है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए फरीदाबाद। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? की क्रांति से पहले, याद रख सकते हैं एक तरीके के हिसाब से, साल 1843 में अंबाला में ब्रिटिश छावनी स्थापित की गई थी, 1843। गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर स्थित है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉमन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कम से कम 5 से 7 बार हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इस क्वेश्चन को गलत करें। कैथल विद ट्रिक, मैंने बहुत पहले, साल भर पहले मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ याद रखने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन डी हिसार, शिवानी से बिलोंग करते हैं ये, वैसे शिवानी आता है भिवानी के अंदर भी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हिसार जिले के अंदर आता है शिवानी, तो केजरीवाल जी भी हम लगाएंगे डी शिवानी। हरियाणा अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, तो साल 1966 में हरियाणा बना था, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका तुक्का भी अगर लगाएंगे, काउंट भी करेंगे, तो भी आप इसका सही लगा सकते हैं। 1 नवंबर 2016 से लेकर के 31 अक्टूबर 2017 तक हरियाणा ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष मनाया है। नेक्स्ट, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? चरखी दादरी रोहतक में आता है, झज्जर सोनीपत रोहतक, बचा महेंद्रगढ़, तो यही आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों व्यक्तित्व तथा उनके जन्म के स्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है इसमें, अलग अलग क्वेश्चन है, कम से कम 4 क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन में हरियाणा एसएससी ने पूछा है। यशपाल शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार से। रणदीप हुड्डा कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से। प्रणति चोपड़ा अंबाला से। जूही चावला कहाँ से बिलोंग करती है? अंबाला से। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत पूछा था कि कहाँ से बिलोंग नहीं करती है। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ऑप्शन ए झज्जर रोहतक में आता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो मैंने सीरीज चालू कर रखी है हरियाणा एसएससी में पूछे गए अब तक के हरियाणा से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या जो भी नेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको कैसी लगी ये सीरीज? वन बाय वन आपको और सीरीज तैयार की जाएगी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।